क्या बताए रहे थे? ग्लूकोज का, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताए रहे थे नहीं? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बताते हैं ग्लूकोज का। साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बताते हैं इस तरह से। इसको याद रखना है क्योंकि आगे ओलिगोसैकेराइड से पढ़ेंगे। देखो कैसे बनाते हैं, ऐसे करने आ जाएगा है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर एच और ओएस से स्टार्ट करेंगे। एच ओएस देखिएगा, ध्यान दिया पड़ेगा, इतना करने आ जाएगा। पहले बल्दे को स्ट्रक्चर बनाना है, सीखना है केवल है ना। एच ओ एच इस साइड भी आप कर दीजिए, एच ओ एच क्या, उसके बाद यहां पर ऊपर में लिखिए सी एच टू ओ एच, यहां ओ एच है तो इधर क्या होगा एच, ठीक है। उल्टा ओ एच है तो यहां पर क्या होगा एच, यहां पर ओ एच, फिर इसका उल्टा करो एच है तो यहां पर क्या होगा ओ एच, इधर सेम है आ जाएगा बना। फिर से एक बार देख लो भाई, इस तरह से बना लेंगे हम लोग क्या, यहां पर क्या स्टार्ट करेंगे एच ओ एच, फिर एच ओ एच, इतना करना आ जाएगा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहां से स्टार्ट करना है, यहां ऊपर में सी एच टू ओ एच, नीचे में एच, यहां ओ एच है तो क्या होगा एच, क्या ओ एच, यहां पर ओ एच, यहां पर ओ एच, यहां पर कोई दिक्कत। तो इस तरह से जो है आपको ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, ग्लूकोज का है ना। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये जो हो जाएगा आपको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज नहीं। अब इसी में क्या करेंगे ना, इसका म्यूटा रोटेशन, मतलब आपको पता है सी वन कार्बन का चेंजिंग होता है, मतलब ये जो पहला कार्बन है ना, पहला कार्बन ये यहां चल जाएगा और ये तो इसका चेंजिंग हो जाएगा इस तरह से। देखो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर एच ओ एच, खाली यहां उल्टा हो जाएगा, ध्यान देना है ओ एच है तो ऊपर एच नीचे, ओ एच और ठीक है, और सारा चीज सब चीज सेम रहेगा, और जितना है खाली यहां उल्टा कर देना है ठीक है ना, और इधर सारा का सारा चीज सेम रहेगा। यहां पर सी एच टू ओ एच और यहां पर क्या हो रहा है एच, यहां पर एच, यहां पर ओ एच, ओ एच, एच क्या, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज उधर। चलो अब स्टार्ट करते हैं फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 है ना। फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका पहले जनरल फॉर्मूला जानते हैं, ये सेम होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इज C6H12O6 है ना। वही तरीका होता है इसका बनाने का टॉम्स अप्रोच, इसको कैसे बनाते हैं है ना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सुक्रोज माल्टोज, ये सबसे बनाते हैं नहीं, इसको तैयार, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सुक्रोज, इसको सुक्रोज से तैयार करते हैं। सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा आप लोगों को, सुक्रोज जिसका होता है C2H2O11, जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं
H2O से रिएक्ट करवाते हैं, है ना, तो ये एक पार देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दूसरा पार क्या, यही हमको बनाना है। फिर देखिए, जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एक पार्ट आपका ग्लूकोज मिलता है, दूसरा पार्ट, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रुक्टोज प्रिपरेशन। इसका आप स्ट्रक्चर जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ये कैसे निकालते हैं इसको समझिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, बोर्ड देखो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ध्यान देगा, सबसे ऊपर आपको लिखना है CH2OH, ध्यान देगा, सबसे नीचे CH2OH, जो भी कीटोन फ्रुक्टोज कीटोन ग्रुप होता है सी डबल OH, वहां पर हम लोग एच ओ एच एच से स्टार्ट किए, जिसमें याद करना है एच ओ एच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत आसान होता है, ऊपर में सी एच टू ओ एच है ना, नीचे में सी एच टू ओ एच और स्टार्ट करेंगे यहां पर एच ओ एच, इधर भी इसका उल्टा कर दो, एच एन क्या होगा ओ एच और यहां पर एच, कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत है ना। इसके बाद देखो अब क्या करना, बीच में उल्टा कर देना है ना, उल्टा क्या करना है, देखो यहाँ पर H है तो यहाँ पर क्या होगा OH और यहाँ पर OH है तो बस इतना ही करना है, हो गया है ना, आसान। फिर से एक बार देख लो बढ़िया, यहाँ पर CH2OH, नीचे में CH2OH, कोई दिक्कत, CH2OH देख लीजिए CH2OH, देखो फिर यहाँ पर क्या करना है, कीटोन ग्रुप आपको लिखना है, ठीक है, स्टार्ट करना है एच ओ एच से, एच ओ एच से, ठीक है, एच यहाँ पर एच ओ एच, इसके नीचे उल्टा कर दो ओ एच एच, फिर इसके बीच में उल्टा कीजिए एच का बाद ओ एच, ओ एच का क्या है ना सर, क्या ऊपर में सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच, बीच में कीटोन ग्रुप, कहां से स्टार्ट करना है एच ओ एच, ऊपर में इसका नीचे जस्ट नीचे में इसका उल्टा कर देना, फिर इसका उल्टा कर देना, मतलब इसका उल्टा करते जाना, ठीक है, एक बार ऊपर का एक बार बीच का, है ना, इसमें से कायरल कार्बन स्टार्ट किया, कायरल कार्बन यहां तो होगा नहीं क्योंकि सेम दो ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बताया था ना, CH2OH में कायरल कार्बन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, यहां भी कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, दो हाइड्रोजन है ना, एक ग्रुप पर एक कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, सेम ग्रुप होगा तो कायरल कार्बन नहीं होगा, कारण कारण होने के अलग अलग सेम है, एक कारण दो हाइड्रोजन है अलग अलग ना, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी कारण कारण नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, नहीं तो हम कारण कारण निकालेंगे, बताए थे सिंगल बॉन्ड देखना है अलग अलग ग्रुप देखना है, या तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी नहीं होगा, कहाँ कारण कारण होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक ये दोनों कारण क्यों नहीं होगा, तीन कारण से, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन सेम ग्रुप, यहाँ भी दो हाइड्रोजन सेम ग्रुप, यहाँ पे डबल है ना, तो कई बार पूछा हुआ है कंपटीशन में पूछता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन फ्रुक्टोज, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज में कितना कायरल कार्बन होता है, आपको याद रखना है तीन होता है, ठीक है, देखो ये सब मोनोसैकेराइड है, जब इसको वाटर में हाइड्रोलाइज्ड वाटर में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, केवल रोटेट करता है, नहीं जैसे ग्लूकोज रोटेट किया था, एक बनाया था अल्फा डी प्लस, अब इसको बनाया था, जब इसको भी वाटर, क्योंकि मोनोसैकेराइड है तो वाटर से रिएक्ट करेगा नहीं, तो क्या होगा ये रोटेट करेगा, और सब बताएंगे आपको, वो सब रिएक्ट करता है तो कोई नया प्रोडक्ट बनाता है ओलिगोसैकेराइड, सब कल बताएंगे, तो ये क्या होता है ना, वाटर में जैसे ही पानी में इसको डिजॉल्व कीजिएगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूम जाएगा, है ना, तो आपको ये, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे ग्लूकोज में होता था दो तरह का, है ना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस, यहाँ भी होगा अल्फा डी माइनस ग्लूकोज फ्रुक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, तो याद रखना है दो तरह का, कौन कौन, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज और बीटा डी माइनस, इसी स्ट्रक्चर को हम बना देते हैं, देखिए जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो आप देखिएगा आपके कार्ड तब होता क्या है, ये तो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो डबल बॉन्ड वाला, है ना, ये वाला पार्ट ये आ जाता है बीच में, आपको बताया था, है ना, देखिएगा
ये वाला पार्ट आ जाएगा बीच और जो ओ एच पार्ट है ध्यान देगा जो ई तो यहां से हट जाएगा ये डबल वाला ऑक्सीजन का पार्ट आ जाएगा बीच में और ये जो ओ एच वाला पार्ट देख रहे हो ये चल जाएगा जहां से ये हटेगा वहां पार जाएगा ठीक है। तो इस देख लीजिएगा बार बढ़िया से क्या होता है फिर से एक बार स्ट्रक्चर देखिए ये जो डबल बॉन्ड वाला है ऑक्सीजन ये आ जाएगा बीच में जैसे उसका बनाया था आप उसका वीडियो यदि क्लास में किया वीडियो देख लीजिएगा है ना और ये ओएच चलाएगा वहां पर है ना बस इतना ही होता है कुछ नहीं होता है फिर समझ लीजिए ये ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में ये ओएच आ जाएगा यहाँ पर जहां से ऑक्सीजन आ जाएगा ठीक है। देखो एक बार बढ़िया से तो हम लोग क्या करेंगे ये जो कार्बन है ये कार्बन पर क्या करो सी एच टू ओ एच CH2 OH है ना ये जो है इसको मोड़ा के बाद ये यहाँ पर अब यहाँ देखो यहाँ से क्योंकि ये ऑक्सीजन में इस तरह से कर देना है इसको यहाँ से जोड़ दीजिए यहाँ पर क्या था OH था नीचे में CH2 OH इतना ही करना है बढ़िया देखिए इसमें कुछ है नहीं आपको इधर उधर फिगर वाला दे देगा बनाने के लिए वहां दिमाग चलेगा यहाँ फिगर है स्ट्रक्चर है इसमें क्या समझना है दिमाग लगाइए कैसे बनाए है ना ये ऑक्सीजन को ला दिए बीच में ठीक है और ये जो OH है ये जो खाली जगह है यहाँ से OH यहाँ पर दे दी ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप कुछ नहीं करना आप जो सारा जितना जैसा चीज है उसको उतार दीजिए इतना करने आ जाएगा ना आप उतार दो इधर पैच है आपका सारा को उतार दो जैसे है वैसे है ना यहाँ पर क्या है एच ओ एच उतार दीजिए उसके नीचे में क्या है ये है OH एच ये सारा जो है आपका इसका नाम क्या है इसका नाम है अल्फा डी माइनस ग्लूकोज ठीक है आपको बताया थे जो रोटेशन होता है फर्स्ट कार्बन को होता है फर्स्ट कार्बन रोटेशन होता है ये कार्बन आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं ये चलाएगा यहाँ पर ये चलाएगा यहाँ पर ठीक है तो इसका रोटेशन क्या होगा आप बढ़िया से देख लो अच्छा ठीक है ये जो रोटेशन आपका क्या होगा OH चलाएगा इधर और सी एच टू OH आ जाएगा इस साइड नहीं आ जाएगा अब फिर आपका और कुछ नहीं है सारा चीज उतार देना हमको ठीक है सी एच टू OH और यहां से आ जाएगा आपका ऑक्सीजन तो सारा चीज को जोड़ दो यहां पर वही चीज है उतार खाली इतना यहाँ पर चेंज करेंगे उसके बाद सारा का सारा जैसे वैसे उतार देंगे ये हो जाएगा आपका सी एच टू ओ एच ठीक है। चलो यहाँ पर सी एच टू ओ एच है यहाँ पर आप सब सारा चीज उतार देंगे एच ओ एच ओ एच एच ठीक है इसका नाम हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज कोई दिक्कत फिर से एक बार देख लो बढ़िया से ये तो आपका हो गया ग्लूकोज सॉरी फ्रुक्टोज है ना इसके बाद जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा कहां पर पानी में रिवर्सेबल होता है ये सारा चीज आप इसको इस तरह से भी साइन दे सकते हो तो एक बार ये बनाएगा फिर एक बार क्या बनाएगा एक बार बीटा डी माइनस अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज एक बार बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज है ना इसको फ्रुक्टोज डी माइनस भी बोलते हैं ठीक है फ्रुक्टोज अच्छा इसमें कितना कैरल कार्बन होगा निकाल लीजिए अब यह कैरल कार्बन यहां एक बार जाएगा नहीं तो देखो एक सी स्टार सी स्टार सी स्टार सी स्टार तो नंबर ऑफ कैरल कार्बन यहां हो जाएगा कैरल कार्बन हो जाएगा चार यहां भी हो जाएगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन सी स्टार हो जाएगा। चलो अब हम लोग कहेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज
फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझिए, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है आपको, उस तरह से जैसे वहां बनाए हुए थे, है ना, साइक्लिक मतलब आप वहां बनाए थे ना, सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर होता है यहाँ, है कि नहीं, ठीक है। देखो इस तरह से पहले स्ट्रक्चर बना लेना है, कैसे एक बार फिर देखिए, ऐसे इस तरह से, ठीक है ना, इसको इस तरह से बना लेना, पहले ये स्ट्रक्चर आप बना लो, बना लिए। उसके बाद देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, CH2OH यहां पर लिखेंगे H, फिर यहां पर CH2OH और यहां पर H, अब इतना ही करना है, ज्यादा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद उल्टा कर देना, यहाँ एच है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पर फिर यहाँ OH है तो क्या होगा, एच, है ना, सर, है ना। ये हो गया आपका, इसका नाम है अल्फा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। अब क्या करना है, इसी को रिवर्स कर देना है, रिवर्स मतलब ये आपको क्या करेगा, ये चलाएगा यहाँ पर और ये चलाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, है कि नहीं, सब चीज सब स्ट्रक्चर सेम होगा, बनाओ खुद से बना सकते हैं, कुछ है नहीं, सब चीज सेम होगा, खाली सी एच टू ओ एच और यहाँ पर एच, यहाँ पर क्या होगा, खाली उल्टा हो जाएगा, यहाँ एच आ जाए, यहाँ चल जाएगा सी एच टू ओ एच और सारा चीज सेम होगा, यहाँ एच ओ एच ओ एच एच, ये हो गया आपका बीटा बी माइनस फ्रुक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, है ना। यहाँ पर एक चीज सही कर लीजिए, यहाँ पर ओ एच होगा, ठीक है, यहाँ पर ओ एच होगा, ठीक है, और सारा चीज सही। ये जो आज वाला क्लास आपका यहीं तक हो गया, बीटा मतलब फ्रुक्टोज के बारे में पूरा बता दिए, कल हम लोग थोड़ा सा इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, किसके साथ क्या रिएक्शन करता है, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड लगेगा कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद पॉलीसैकेराइड, तब हम लोग आ जाएंगे एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड प्रोटीन, है कि नहीं, प्रोटीन के बाद आपका विटामिन, उसके बाद वही जो है न्यूक्लिक एसिड, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तीन या चार क्लास है, तीन क्लास।